क्या डर फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए और राहुल रॉय की फिल्म छोड़ने से शाहरुख खान कैसे बन गए सुपरस्टार। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक्टर राहुल रॉय कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गेस्ट बनकर पहुंचे। शो में उनके साथ अनु अग्रवाल और दीपक तिजोरी भी थे। दरअसल इस साल सुपरहिट फिल्म आशिकी को 30 साल होने जा रहे हैं। ये फिल्म 23 जुलाई 1990 को रिलीज हुई थी। शो का स्पेशल एपिसोड आशिकी पर ही रखा गया था। यहाँ राहुल ने अपने फिल्मी करियर के बारे में खुलकर बातें की। राहुल ने बताया कि आशिकी रिलीज होने के 6 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं था, वो खाली घर बैठे थे। फिर अचानक उनके पास ऑफर आने लगे। उन्होंने बताया कि एक वक्त पर उनके पास 49 फिल्मों के ऑफर थे। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के करियर को ऊंचाइयां देने वाली फिल्म डर उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। राहुल ने बताया, मुझे याद है यश चोपड़ा जी ने मुझे कॉल किया और फिल्म की नरेशन सुनाई। मैं पहले से ही कई फिल्मों से घिरा था, कोई दूसरी फिल्म साइन करने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि पहले से साइन किए गए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। फिल्म मेकर्स मेरी डेट लेने के लिए एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे। वो फिल्म डर थी। बाद में ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई। इसके बाद उनके करियर को नए आयाम मिले। डर में राहुल का किरदार मुझे ध्यान में रखकर ही लिखा गया था, लेकिन मुझे आज तक उस फिल्म को मना करने का अफसोस है। दोस्तों, डर में शाहरुख खान, जूही चावला और सनी देओल लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में शाहरुख खान का किरदार एक सनकी और खतरनाक स्टॉकर का था जो जूही चावला के पीछे पड़ जाता है। डर में शाहरुख खान की एक्टिंग की भी बेहद तारीफें हुई थी और यही वो फिल्म थी जिससे शाहरुख खान के फिल्मी करियर को उड़ान मिली। राहुल रॉय की अगर बात करें तो उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से ही डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने प्यार का साया, गजब तमाशा, जुनून, जानम, सपने साजन के, दिलवाले कभी न हारे जैसी तमाम फिल्में की, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही। किसी फिल्म को आशिकी जैसी जबरदस्त शोहरत नहीं मिल सकी। दोस्तों, सभी जानते हैं कि डर एक बॉलीवुड कल्ट फिल्म है। दोस्तों, इस फिल्म को याद रखने की एक बड़ी वजह शाहरुख खान भी है। हालांकि वो फिल्म में इंटरवल के बाद दिखाई दिए, लेकिन फिल्म में उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने सबके होश उड़ा दिए। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म का सीक्वल बन सकता है। वेल, दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बने और इस फिल्म के सीक्वल में किसको कास्ट किया जाना चाहिए? क्या शाहरुख खान खुद इस फिल्म के सीक्वल में काम करेंगे? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।